हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। वर्षा गायकवाड़ ने संदीप शुक्ला को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। मुंबई से कपिल देव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और वर्तमान ना विधायिका वर्षा गायकवाड़ ने सायन के अपने जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में केक काटा और मुंबई कांग्रेस कमेटी के महासचिव संदीप शुक्ला को खिलाकर पार्टी और गायकवाड़ परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। और उन्होंने वर्षा गायकवाड़ और तुषार गायकवाड़ को शाल और गुलदस्ता देकर उनका आभार व्यक्त किया। मुंबई कांग्रेस कमेटी के महासचिव तुषार गायकवाड़, कचरू यादव, नगर सेवक हाजी बब्बू खान, महेंद्र मुंडेकर, सुभाष पिसाल, मुंबई महिला कांग्रेस की सचिव शिल्पा बेलमकर, दक्षिण मध्य मुंबई जिला महिला अध्यक्ष जया सावंत, रीना प्रजापति, रेखा घेवारी, ठाकुर विजय सिंह, मंगल सिंह, शंकर खत्रे, सुभाष चंद्र यादव, हरिश्चंद्र विचारे, दीपक वाग, नवीन गायकवाड़, सुभाष पाठक, गोरख बोम्बडे, जुबेर अली, मल्हारी सकट, जावेद खान, विष्णु मिश्रा, राजीव त्रिपाठी, जालिंदर अवारे, सतीश दुबे, मुंबई कांग्रेस साउथ सेल कार्याध्यक्ष सेलवारा जसवामी ईशान्य, मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी सेवादल के अतिरिक्त मुख्य संगठक मोहम्मद मुकीम शेख के अलावा पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने संदीप शुक्ला को शाल और गुलदस्ता देकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। संदीप शुक्ला के जन्मदिन के उत्सव का आयोजन संदीप शुक्ला मित्र मंडल ने किया था। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी आदरणीय संदीप शुक्ला जी को उनके जन्मदिन के अवसर पे, उनके माध्यम से कांग्रेस को और मजबूती मिले और पक्ष का काम हो, कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम हो। मुंबई कांग्रेस का जो उनका अनुभव है उसका हमें आने वाले दिनों में फायदा है। तो उनको यशवंतवा आणि दीर्घायु शिवा इस तरीका शुभेच्छा देते। ताई, जैसा कि लोक नेता और यहाँ के सांसद स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी यहाँ पर लोगों से मिलते थे और जनता की सुनते थे और कार्यकर्ताओं से भी प्रेम करते थे, तो इस कार्यक्रम को आप कितना आगे तक चलाएंगे? देखिए, परंपरा जो बनती है वो एक तरह से आगे चलाने के लिए बनती है और ये परंपरा हमारे यहाँ पे, तो हम तो वैसे भी धारावी में, हमारे यहाँ पे भी ये परंपरा सेम चलती है। साइन कोईवाड़ा में भी हम ये परंपरा कंटिन्यू रखने का काम करेंगे। यहाँ पे तो हम हमेशा आते हैं, मिलते ही हैं कार्यकर्ताओं से, लोगों से, और जो लोक प्रतिनिधि होता है अगर वो लोगों के साथ काम नहीं करेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, तो फिर वो किस तरह से काम कर सकता है। तो इसीलिए ये हमारे घर में परंपरा है। रायपाड़ साहब ने जो हमें सिखाया है, सबके साथ रह के काम करो, पब्लिक में जाओ, पब्लिक के साथ रह के काम करो, तो उसी को हम जो है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे साथ विश्वास के साथ खड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारे पूरे समय में भी हमारे साथ रह के साथ में काम किया है, ताकत देने का काम किया है, वफादारी दिखाने का काम किया है, और उन्हीं के बलबूते पर राजनीति की जाती है। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगी उन कार्यकर्ताओं का भी। और जैसे मैं जानती हूँ कि एक लोक प्रतिनिधि का काम है लोगों की सेवा करना, हमें गायकवाड़ साहब ने वही सिखाया है, वो उसी चरण कमर पर चलने का काम हम ताकत से करें। आप एशिया की सबसे बड़ी और चर्चित विधानसभा धारावी के आप विधायक हैं, तो आप अपने विधानसभा के और मुंबई वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये समझती हूँ कि जीवन में काम करते रहना चाहिए, लोगों को सम्मान और लोगों के साथ में रहना चाहिए। और जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, सबको पता है कि वर्षा गायकवाड़ क्या है, और आगे भी आने वाले दिनों में मैं काम करती रहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा फंड कैसे लाए, लोगों की सेवा कैसे करें, लोगों के सुख दुख में कैसे खड़े रहे, यही कोशिश हमारे आने वाले दिनों में। आज आपका जन्मदिन है और ऐसे में वर्षा ताई ने आपको शुभकामना दी है, केक काटा है। वर्षा ताई, और अपने कांग्रेस के सभी साथियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो परंपरा है, हमारे आदरणीय नेता स्वर्गवासी एकनाथ जी गायकवाड़ जी की परंपरा है, जिनका एक नारा था हम सब एक है, उसी नारे के तहत और उसी विचारधारा को लेकर आज वर्षाताई गायकवाड़ इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद और यहाँ पर आए। यहाँ पर हमारे स्थानिक नेता, मुंबई कांग्रेस के पदाधिकारी, काफ़ी वरिष्ठ नेतागण आए, यहाँ पर स्थानिक नेता है, मुंबई कांग्रेस के नेता है, तो गायकवाड़ साहब के जो विचारधारा है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहो और सबके साथ मिलकर काम करो, उसका सबने मिलकर आज परिचय दिया है यहाँ पर। गायकवाड़ साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा उनका आपके ऊपर रहा और आज ताई का कैसा प्रेम आपके ऊपर है? गायकवाड़ साहब का जो हमेशा हम सब पे मार्गदर्शन रहा, जितने भी लोग आए हुए हैं सब पे गायकवाड़ साहब का आशीर्वाद रहा, मार्गदर्शन रहा। गायकवाड़ साहब कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाले नेता थे,
ताई का भी वही आज काम करने का तरीका है। कार्यकर्ता कोई भी हो, ताई हमेशा उनका साथ देती है।